अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑन बाय जुनैर। पहले पार्ट में हमने देखा था फ्रेंच रेवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन। अब इसके अंदर हम देखेंगे स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल। स्टॉर्मिंग बेसिकली कहते हैं हमले को और बस्टाइल है किला-ए-नुमा जेल को कहते हैं। आज हम स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल जो एक अहम वजह थी फ्रेंच रेवोल्यूशन की उसको डिस्कस करेंगे। सो इसीलिए वीडियो को कम्प्लीट वॉच करें। विदाउट एनी लेट लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो नाउ। सबसे पहले हमारे पास है स्टॉर्मिंग ऑफ द बस्टाइल। अब स्टॉर्मिंग ऑफ बस्टाइल जो स्टॉर्मिंग है वो हमला है, जो बस्टाइल है ये किला-ए-नुमा जेल को कहते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास पॉइंट है द वायलेंट अटैक ऑन द गवर्नमेंट बाय द पीपल ऑफ फ्रांस। अब जो फ्रांस के लोग थे उन्होंने गवर्नमेंट पर हमला किया था। इट सिग्नल द स्टार्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अब जो ये हमला था ये फ्रेंच रेवोल्यूशन का आगाज था। द बस्टाइल वॉज एन एंशियंट फोर्ट्रेस बिल्ट टू प्रोटेक्ट पेरिस ड्यूरिंग द 100 ईयर्स वॉर। अगर हम बात करें बस्टाइल की तो ये 100 साल पहले की जंग के दौरान पेरिस में बनाया गया था। बाय द लेट ऑफ 1700 द बस्टाइल वाज मोस्टली यूज्ड एज अ स्टेट प्राइजन बाय किंग लुइस। अब जो किंग लुइस था उसने 1700 में बस्टाइल को जेल करार दे दिया था। द रेवोल्यूशनरीज हु स्टॉर्म द बस्टाइल वर मोस्टली कॉमन पीपल एंड स्टोर ओनर्स हु लिव्ड इन पेरिस। अब वो जो रेवोल्यूशनरीज थे वो इनकलाबी जिन्होंने बस्टाइल पर हमला किया वो ज़्यादातर आम लोग थे और पेरिस में स्टोर के मालिक थे। दे आर मेम्बर्स ऑफ फ्रेंच सोशल क्लास कॉल्ड द थर्ड स्टेट। अब वो जो लोग थे वो आम लोग थे, इन्हें हम आम जुबान में निचले तबके के लोग कहते हैं। दे वर अराउंड 1000 मैन हु पार्टिसिपेटेड इन द अटैक। हमला करने वालों की तादाद 1000 के करीब थी। द थर्ड स्टेट हैड रिसेंटली मेड डिमांड्स ऑफ द किंग। अब उन लोगों की जो डिमांड थी उनकी डिमांड थी कि हमें किंग चाहिए, वो किंग की डिमांड कर रहे थे। दे वर वरीड दैट ही वॉज प्रिपेयरिंग द फ्रेंच आर्मी फॉर एन अटैक। अब वो इस बात के लिए भी परेशान थे कि जो फ्रेंच आर्मी है, जो फ्रांस की आर्मी है, उसको हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। बस्टाइल आल्सो हैड स्टोर्स ऑफ गन पाउडर दैट द रेवोल्यूशनरीज नीडेड फॉर देयर वेपन। बस्टाइल में गन पाउडर भी मौजूद था जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज को इसकी बड़ी ज़रूरत थी अपने वेपन्स के लिए, अपनी गन्स के लिए। ऑन द मॉर्निंग ऑफ जुलाई 14 द रेवोल्यूशनरीज अप्रोच द बस्टाइल। दे डिमांडेड दैट मिलिट्री लीडर ऑफ द बस्टाइल गवर्नर डी लोनिस सराउंडेड द प्राइजन एंड हैंड ओवर द गन पाउडर। इन्होंने बस्टाइल का जो मिलिट्री लीडर था जिसका नाम गवर्नर जिरूने था, इस रेवोल्यूशनरीज ने डिमांड की थी कि किंग को उनके हवाले कर दिया जाए और गन पाउडर को भी हमारे हवाले कर दिया जाए। ही रिफ्यूज्ड एज निगोशिएशन ड्रैग ऑन द क्राउड बिकेम अग्रेसिव। मगर जो गवर्नर था उसने साफ इनकार कर दिया और मुजाकरात आगे बढ़ने लगा। क्राउड बिकेम अग्रेसिव। अब जो रेवोल्यूशनरीज थे वो इस बात से गुस्से में आ गए। आफ्टर सम टाइम दे मैनी टू गेट इन टू द कंट्री यार्ड। इसके बाद वो सब जो है वो सेहन में आ गए। वंस इन साइड द कोर्ट यार्ड दे बिगन टू ट्राई एंड ब्रेक इन टू द मेन फोर्ट्रेस। द सोल्जर्स इन द बस्टाइल बिकेम स्केयर्ड एंड फायर्ड इन टू द क्राउड। जो बस्टाइल के फौजी थे इस सब को देख कर घबरा गए और उन्होंने जो क्राउड था उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। द फाइटिंग हैड बिगन। द टर्निंग पॉइंट इन द फाइट केम वेन सम ऑफ सोल्जर्स ज्वाइन द साइड ऑफ क्राउड। इसी तरह लड़ाई जो थी वो शुरू हो गई, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट था वो तब आया जब कुछ सोल्जर थे वो आवाम के अंदर जो लोग थे उनके अंदर घुल मिल गए, मिक्स हो गए। डी लोनिस सून रियलाइज्ड दैट द सिचुएशन वाज होपलेस। ही सरेंडर्ड द फोर्ट एंड रेवोल्यूशनरीज टुक कंट्रोल। अब जो डी लोनिस था ये सूरत हाल देखकर समझ गया कि जो मुआहिदा था वो हाथ से निकल रहा है। ये देखकर उसने जल्द अज जल्द खुद को सरेंडर कर दिया। अराउंड 100 ऑफ रेवोल्यूशनरीज वर किल्ड ड्यूरिंग द फाइटिंग। अब जो 100 के करीब जो रेवोल्यूशनरीज थे, जो इनकलाबी थे, वो मार दिए आफ्टर सरेंडरिंग गवर्नर डी लोने एंड 3 ऑफ हिज ऑफिसर्स वर किल्ड बाय क्राउड। अब सरेंडर करने के बाद जो डी लोने था और उसके साथ जो 3 ऑफिसर्स थे उनको भी मार दिया गया। और बस लास्ट वन है वो है रिजल्ट और फिर नतीजा क्या निकला था। दिस इवेंट सेट ऑफ द सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट लेड टू द ओवरथ्रो ऑफ किंग लुइस एंड दी फ्रेंच रेवोल्यूशन। इस हादसे के बाद जो किंग लुइस था उसकी हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया। द सक्सेस ऑफ रेवोल्यूशनरीज गेव कॉमनर्स थ्रू आउट फ्रांस। रेवोल्यूशनरीज को पूरे
जो फ्रांस में फतह हासिल हुई। द कॉल टू राइज अप द फाइट अगेंस्ट द नोबल हु हैड रूल्ड देम फॉर सो लॉन्ग। इससे बहुत से उन्होंने जो नोबल थे यानी शराफिया उनके खिलाफ भी लड़ाई लड़ी। अभी जो लास्ट पर बताया गया है वो है व्हाट डज इट रिप्रेजेंट टुडे, ये आज क्या प्रेजेंट करता है। द डेट ऑफ द स्टॉर्मिंग ऑफ द बास्टाइल जुलाई 14 इज सेलिब्रेटेड टुडे फ्रेंच नेशनल डे इन फ्रांस। इट इज कॉल्ड द नेशनल सेलिब्रेशन और द 14th ऑफ द जुलाई। अब जो 14 जुलाई की तारीख है ये फ्रांस के अंदर एज ए नेशनल डे माना जाता है। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।